अभी यहाँ 12 साढ़े 12 बजने वाले हैं, इंडिया में 1:30 मतलब 2 बजने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फिलहाल दोस्तों आज तो काफ़ी टाइम हो गया और आज ड्यूटी भी नहीं लगा है। अभी हमारे यहाँ टाइम हो गया 12 बजने वाले हैं और इंडिया में 2:22 हो गया। तो मैं थोड़ा काम वाम कर रहा था, रूम की साफ़ सफाई किया पूरा, और जो बिस्तर बिस्तरा था समेट दिया हूँ दोस्तों, कपड़ा धोने के लिए फैलाया हूँ, इस साइड में रखा हूँ, अभी कपड़ा धोना है। तो बाथरूम का जो साफ़ सफाई, जो घर का साफ़ सफाई करते हैं, इसको भी ढूंढना पड़ता है क्योंकि ये रूम में झाड़ू मारने के काम आता है। तो अभी देख सकते हो मेरा चावल उबल रहा है, और कल बनाया था पालक की दाल और तो बच गया था। तो अभी आज का अभी दोपहर का काम निकाल देगा, तो अभी 3-4 बजे तक बनाएंगे। अगर ड्यूटी नहीं लगी तब, अगर ड्यूटी लग जाएगा तो फिर रात को 8:30 बजे के बाद ही खाना वाना बनाते हैं, नहीं तो होटल से आ जाएगा 1 टाइम को। तो किसी तरह टाइम निकालना पड़ेगा। और मेरे यहाँ मौसम बहुत अच्छा है बाहर का, और धूप बहुत अच्छा है क्योंकि आज पूरा मतलब ठंड का थोड़ा सा भी मतलब महसूस नहीं हो रहा है। अभी कल हवा चल रहा था, बहुत ठंड था, तो अभी मौसम साफ़ हो गया पूरी तरह से आज, तो आज ठंड नहीं लग रहा है। तो अभी गाड़ी वाड़ी धोना था क्योंकि गाड़ी वाड़ी धुला नहीं हुआ अभी, तो अंदर से काफ़ी गंदी हो गई है। तो चलते हैं अभी पहले गाड़ी वाड़ी धो लेते हैं और फ़ोन का इंतज़ार करते, अगर फ़ोन उन आ गया तो फिर चले जाएँगे ड्यूटी, उसके बाद देखता हूँ क्या करना हूँ। चलो पहले गाड़ी धो लेते हैं, फिर देखते हैं फ़ोन आता है मैडम का नहीं आता, कब तक फ़ोन आएगा। तो इंतज़ार करते हैं दोस्तों ड्यूटी का। तो भाई फाइनली अपनी गाड़ी धोने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं करना, बस थोड़ा बहुत कपड़ा मार देना है। डैशबोर्ड पे बहुत सारा मिट्टी आ गया था, थोड़ा बारीकी बारीकी, तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। हाथ जहाँ मार रहा था निशान बन रहा था गाड़ी में, तो मैं कहा अगर हम अंदर बैठ के गाड़ी चलाते हैं, शीशा बंद होता है तो धूल मिट्टी उड़ेगी, क्योंकि एसी अब चलाना पड़ता है। तो एसी जो है अभी एसी का ज़रूरत पड़ गई, और मैडम निकलेंगी तो लाजमी एसी चलाना पड़ेगा। तो मेरा तो नहीं चलता, मेरा काम चल जाता, मैं एसी नहीं चलाता, लेकिन मैडम जो साथ में जाती है तो लाजिम एसी चलाना पड़ेगा क्योंकि शीशा खोल के नहीं चला सकता। और अंदर बाहर थोड़ा सब साफ़ सुथरा रहता था क्योंकि पहले किया था, तो मैं वैसे मैडम 2-3 दिन ऐसे थोड़ा थोड़ा निकली थी, तो कोई ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन दिखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं कहा लो साफ़ कर देते हैं, बैठे ही हैं अभी, ड्यूटी भी नहीं है ज़्यादा, तो क्या करें। तो भाई ये सब करना पड़ता है, सभी को करना पड़ता है, हम ही को नहीं। तो थोड़ा बहुत जो होता है आदमी मैनेज कर लेता है। और यहाँ पर हर कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी धोता है, और कपिल की भी गाड़ी धोता है, पूरे घर की गाड़ी धोता है, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे पास मतलब एक ही गाड़ी है ये, और मेरा कपिल दूसरे घर पर रहता है, तो इसलिए गाड़ी उनका नहीं धोना होता, तो इसलिए अपनी गाड़ी साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। गाड़ी अभी शीशा शीशा पे कपड़ा मार दिया हूँ, तो बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, वाइट गाड़ी है तो कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों सफाई हो गई, चलते हैं फटाफट खाना वाना खाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरी ड्यूटी आ गई, और अभी मैं खाना वाना खा के रेडी हो गया था गाड़ी वाड़ी साफ करके। तो हमारे यहाँ 2:30 बजने वाले हैं, तो फटाफट चलते हैं दोस्तों, देखता हूँ कहाँ जाएंगे मैडम, या तो सामान मंगाएंगे तो जाएंगी। तो चला गाड़ी वाड़ी स्टार्ट कर दिया हूँ, और धूप भी इस समय बहुत अच्छा खुल रहा है, तो चलते हैं अभी फटाफट। अभी देख सकते हो ड्राइवर सामने खड़ा होकर अंगरा रहा है। अरे बस्ती है बस, कैसे हो? बढ़िया भाई, क्या हाल है? अरे भांग भांग पी लड़की है क्या आज? अरे भांग क्या, बस सदा बाहर आदमी है, क्या करे, बस रह रहे जिंदगी में। चलो भाई चलते हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। कहाँ रहो? ड्यूटी। तो चलते हैं फटाफट ड्यूटी, और अभी मैं रास्ता में हूँ क्योंकि भाई मैडम को छोड़ते हैं फटाफट चल के, तो मिलते हैं। तो भाई अभी मैं मैडम को छोड़ दिया और जा रहा हूँ घर, और देखता हूँ कितना बजे आएंगे लौट के, क्योंकि अभी टाइम लगेगा। तो मैडम बोली तुम चले जाओ घर, तो मैं फ़ोन करूँगी तो आ जाना। तो चलते हैं फटाफट घर। तो भाई ये इशारा है यहाँ पर, हाँ इस पर भी कैमरा लगने वाला है क्योंकि ये पूरा मतलब खुदाई हो गया कैमरे के लिए, और जगह जगह पोल भी लगा दिया, तो बस कैमरा मुमकिन है 1 महीने के अंदर में लग जाएगा यहाँ भी। तो भाई अभी मैं इंटर हो गया मेन डायरी में, और ये लंबी गाड़ी जा रही भाई, ये पानी का टंकर है, और यहाँ पर इस गाड़ी में चलाने में फ़ायदा है, जो बड़ी गाड़ी जा रही है, जितने भी आदमी आते हैं इसमें आओ तो आपको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसमें आपको सैलरी भी अच्छी होती है और इसमें टिप भी मिलता है, जैसे एक चक्कर का इनका बोनस होता है, जितना आप चक्कर मार दो उतना अच्छा है। तो जितनी बड़ी गाड़ी में आओगे उतना फ़ायदा है,
अगर आप छोटी गाड़ी में होगी फैमिली ड्राइवर में तो उसमें जो सैलरी है बस उतना ही मिलेगा, और जो बड़ी गाड़ी में आते हो तो उसमें एक्स्ट्रा इनकम भी है और आपका टाइम भी बढ़िया पास होगा, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि आपको बार बार फ़ोन आएगा भाई वहाँ से कल से आ रहा, खाते रहो पीते रहो तो आपको सताते नहीं है यहाँ पर। बस फैमिली ड्राइवर में थोड़ा दिक्कत पड़ता है, तो अभी मैं निकल पड़ा हूँ क्योंकि ये रोड में ट्रैफिक है, ज़्यादा देर नहीं जा सकता। 100 का मतलब 120 का है तो आप 100 की स्पीड में जा रहा हूँ, तो भाई ज़रूरी भी नहीं है तेज में, क्योंकि आगे बहुत सारा फाइन भर दिया हूँ और अभी कोई पता नहीं कितना फाइन काटेगी मैडम, तो काफ़ी डर भी लगता है अभी तो। तो फटाफट चलते हैं दोस्तों, और यहाँ से राइट हो जाता हूँ। भाई यहाँ रोडों पर बहुत अच्छा मतलब ट्रैक दिया होता है, आप अचानक लेफ्ट राइट नहीं मुड़ सकते, बस आपको बड़ा का रोड है तो छोटे दायरे में जाना पड़ता है, और यहाँ का नियम कानून रोड का बहुत अच्छा है। अगर आप रोड पे अपना सही जा रहे हो सीधा सीधा तो आपकी गलती नहीं निकलेगी, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। अगर शायद आप गलती करते हो तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अभी जो मतलब गलत गाड़ी चलाता है वो तुरंत कैमरे के नोटिस में आ जाता है, तो कैमरा भाई एक बार आपको वीडियो बना लिया तो बाद में आपके घर फाइन आ जाता है, तो भरना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी हो रहा है जो भी यहाँ आते हैं काम करने के लिए, हमारे लिए नहीं सबके लिए भाई, सबके लिए नियम कानून है, चाहे सऊदी हो चाहे खारजी हो, जो गलत गाड़ी चलाएगा उसका तो फाइन आएगा आएगा। तो भाई लोग फाइनली रात हो गया मेरे यहाँ, और मैडम को छोड़ गया था उस समय, तो अभी जा रहा हूँ 10:30 बजे और इंडिया में 12:30 बजने वाले हैं, तो चलते हैं फटाफट। मैडम का फ़ोन आया था तो चलते हैं मैडम को लेने, और बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है, अभी देख सकते हो मेरी गाड़ी उधर खड़ी है। तो भाई आज तो काफ़ी देर तक रुकना पड़ा, तो चलते हैं फटाफट दोस्तों। रात का मौसम कितना प्यारा है आप देख सकते हो, तो रात के समय में गाड़ी चलाने का नज़ारा ही कुछ और होता है। भाई दिन में छोड़ के गया था तो अभी की मैडम निकली है तो सही है, वरना अगर मुझे वेट करना पड़ता तो काफ़ी टाइम हो जाता और बैठे बैठे पूरी तरह से दिमाग की दही हो जाता। तो अभी फ़िलहाल रात को 11 बजने वाले हैं तो मुश्किल नहीं है दोस्तों, फटाफट चलते हैं मैडम को उठाते हैं ला के घर पे छोड़ते हैं। भाई तो आपको दिखाता हूँ इंडिया का होटल, ये इंडिया का होटल है जो आपको दिख रहा है, तो ये भाई मुझे भी नहीं पता था तो मेरा कपिल बता रहा था, फाइनली मैं पहुंच गया और ये है मैडम का घर जहां पे आई हैं। तो दोस्तों मैं फाइनली पहुंच गया घर पे, तो मैडम को फ़ोन करता हूं फटाफट, मिस कॉल मारूंगा फ़ोन नहीं करूंगा, वो समझ जाएंगे कि ड्राइवर आ गया गेट पर, तो चलो दोस्तों मिलते हैं। तो भाई लोग फाइनली अभी रूम पे आ गया और आज का ड्यूटी ख़त्म हो गया, और आपको टाइम दिखाता हूँ कितना टाइम हो गया रात का।